नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 21 अगस्त दिन शनिवार, मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार, रक्षाबंधन के बाद होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, एके शर्मा सहित कुछ नए चेहरे होंगे शामिल। यूपी चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, जो बीजेपी को हराना चाहता है, हमारे साथ आए। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन सबको साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान, कहा जो भारतीय लात खाने अफगानिस्तान गए हैं वो यहीं आकर लात खाएं। जो भारतीय हैं वहाँ गए हैं लात खाने, तो यहीं चले आवे, यहाँ नहीं कोई लात खाएगा। नोएडा के डीएम सुहास एल यतिराज आगामी टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारत को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है टोक्यो में। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जलभराव, गाजियाबाद की सोसाइटी में गंदे पानी का जलभराव। ये थे मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार राखी के बाद होगा, उसी के साथ ही विधान परिषद के 4 सदस्यों का मनोनयन भी होगा। गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और मनोनयन पर मोहर लगी। मंत्रिमंडल में पूर्व नौकरशाह और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद और निषाद पार्टी के संजय निषाद सहित अन्य नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। खबर पर और जानकारी देंगे आशीष। विधानमंडल का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद सीएम योगी गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी पश्चिमी यूपी के जिलों का दौरा कर दिल्ली पहुंच गए थे, जहां गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर रात 8 बजे बैठक हुई। बैठक में यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक समीकरण साधने के लिए कुछ नए चेहरों का मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सहमति बन गई है। विधान परिषद के 4 सदस्यों का चयन किया जाना है। इनमें संजय निषाद, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित अन्य दावेदार कतार में हैं। जानकारी के मुताबिक संजय निषाद के साथ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के मद्देनजर कमर कस ली है। इसी कड़ी में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर से लेकर तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं गठबंधन पर अखिलेश ने उन सभी पार्टियों को अपने साथ लाने को कहा जो बीजेपी को हराना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, व्यापारियों ने, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अच्छा, जिस तरह से अभी सोनिया गांधी ने भी मीटिंग रखी थी, विपक्ष के सारे नेताओं को बुलाने की बात की थी, आप नहीं पहुंच पाए, तो किस तरह की आगे स्ट्रेटजी तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी? लगातार इसी तरह की बैठकें चलेंगी, लेकिन जो बैठक दिल्ली में हुई वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की थी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा चुनाव देश का, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि विकास को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि किसानों की खुशहाली आए। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि नौजवानों को नौकरी मिले, रोज़गार मिले। बड़ी बड़ी जगह से तो ज़रूर कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, लेकिन जिस तरह से काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे समाजवादी सरकार में हुआ था, वो आज जनता के बीच में है। यहीं पर एटा का बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो लग जाता तो उत्तर प्रदेश को जल्दी और बिजली मिलती। इसी तरह कानपुर देहात में, कानपुर में एक बिजली का प्लांट लग रहा था लिविनी लिग्नाइट का, वो लग जाता तो उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त बिजली मिलती। बिजली के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई और बिजली महंगी कर दी। ये बड़े सवाल हैं। आज सिलेंडर की कीमत क्या है,
आज जो हम खाने का तेल खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है। विक्रुकांड पर जिस तरह से पुलिस को क्लीन चिट मिल रही है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन और पुलिस और जो भी संस्था उसकी जांच कर रही थी क्लीन चिट दे दे, लेकिन जनता के जो मन में है या वहाँ की जनता जो आसपास के लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं, वो सच्चाई कैसे उनके दिलो दिमाग से निकालोगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि एक बार उसकी सरकार बनेगी और वही सरकार को संचालित करने की, तो ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए लगातार जो साथी उनसे नाराज थे उन्हें मनाने में लगी है, उनसे सौदा कर रही है। भैया गठबंधन को लेकर क्या चल रहा है, शिवपाल सिंह ने भी कहा कि वो आपको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए रास्ता खोला है। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं उन सबको साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर विवादित बयान देते हुए कहा, जो भारतीय लात खाने अफगानिस्तान गए हैं वो यहीं आकर लात खाएं और भारत आने पर उनसे बकायदा ये लिखवाया भी जाएगा कि वो आगे देश छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि पढ़ लिख लेने के बाद ऐसे लोग कमाने विदेश चले जाते हैं। ये लोग देश छोड़कर विदेश गए, ये उनकी गलती है। जो भारतीय हैं वहाँ गए हैं लात खाने तो यही चले आवे, यहाँ नहीं कोई लात खाएगा। क्योंकि पहले तो जो भारत देश के लोग हैं जो दूसरे देशों में गए हैं उनकी सबसे बड़ी गलती है। भारत के रह करके दूसरे देश में क्यों गए भैया? आप जो वहाँ विकास कर रहे हो भारत में विकास करते, आप जो वहाँ जाके फैक्ट्री कारोबार करते हो भारत में करते, तो कम से कम भारत के लोगों को रोजगार मिलता। जो वहाँ सड़क बनवा रहे हो यहाँ सड़क बनवाते तो सरकार का भी बोझ कुछ कम होता। लेकिन अपने देश का पैसा ले जा करके दूसरे देश का विकास कर रहे हैं तो गलत है ना। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो हमारे देश के जो पैसे को लूट रहे हैं, लूट के नहीं ले गए हैं, कहाँ से ले गए हैं देख नहीं रहे? अभी भारतीय जनता पार्टी ने कई हजार करोड़ रुपया भगेड़ुओं को भगवा दिया ले लेके, नीरव मोदी कौन कौन है ना, बिल्कुल शामिल है। पैसा लेके जो भाग रहा तो भगाने वाला कौन है? बॉर्डर सब सरकार के अधीन होता है, देश की देश का बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन, प्रदेश का बॉर्डर राज्य सरकार के अधीन होता है। अब वो वहाँ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनका विषय है, यहाँ के विषय में हमसे पूछिए तो हम बता देंगे। भारत सरकार का तो बहुत पैसा लगा है भारत में, क्यों लगाए हुआ जाके भारत में क्यों नहीं लगाए? अपने देश का विकास के लिए, देश आजाद हुआ है अपनी आजादी के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए। चीन चीन तो भारत की जमीनी कब्जा कर रहा है, कहाँ गया पड़ोसी है तो? अरे देख, चीन हमारे देश में जमीन कब्जा कर रहा है यही मदद है? पाकिस्तान से पंगा भारत, रोज प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान भारत पाकिस्तान किस चिल्लाते रहते हैं, देखते हैं एक दूसरे से मदद करनी चाहिए ना। अफगानिस्तान के लोग लगातार वीडियो डाल रहे हैं कि भारत सरकार हमारी मदद करे, वीडियो ना डाल रहे हैं तो छोड़ के आ जाए, यही क्या दिक्कत है? जो भारतीय हैं वहाँ गए हैं लात खाने तो यही चले आवे, यहाँ नहीं कोई लात खाएगा, यहाँ आराम से रहें अमन चैन से। क्यों भारत में भारत की धरती भारत में पैदा हुए, अब भारत का पानी पिए, भारत का खा पी के ठीक ठाक हो गए तो यहाँ से माल लेकर के चले गए हुआ? अच्छे नहीं है यहाँ, यहाँ इतना बढ़िया वातावरण है। चलिए गंगा जी में सुबह देखिए कितने नाय पर बैठ के लोग घूम रहे हैं, यहाँ के घूमना चाहिए। नहीं, ये देश को लूट के लेके भागने वाले लोग हैं। देश में शिक्षा लेंगे और जाएंगे विदेश में काम करेंगे, दुनिया भर में तो वैसे लोगों को क्या कहा जाए? अब ये लोग देश को खोखला करने वाले लोग हैं। देश में शिक्षा ले रहे हैं तो देश में सरकार की जिम्मेदारी है ना, उनको यहीं काम दे, यहीं उनको करावे सरकार, तो दोनों मिले जुले हैं।
आईएएस अधिकारी और नोएडा के डीएम सुहास लालिनी के यतिराज को इस साल टोक्यो में पैरा बैडमिंटन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। 2007 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी नोएडा के डीएम सुहास एलवाई 2020 में शामिल होने के बाद से कोविड-19 महामारी से लड़ रहे हैं। अब जब उन्हें टोक्यो में आगामी ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है तो उन्होंने देश के लिए मेडल जीतने की ठानी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि छोटे छोटे मार्जिन की वजह से खिलाड़ी गेम हार जाते हैं और कभी कभी जीत भी जाते हैं। मैंने खुद मिलीमीटर के अंतर से गेम गंवाए हैं और सेंटीमीटर से जीता है। अगर मैं टोक्यो ओलंपिक्स की बात करूं तो मुझे पता है कि हर खिलाड़ी वहां पदक जीतने की उम्मीद में होगा। तैयारी अच्छी चल रही है, जैसे लास्ट मोमेंट्स में मेनली जो फोकस करते हैं हम लोग, जो स्किल्स होती है उसको एक अच्छे से एक शार्पन करने के लिए, और मेंटल प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे परीक्षा में भी जब लास्ट में रिवीजन करते हैं तो वैसे यहाँ पर भी करते हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारत को ये प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है टोक्यो में, जो दुनिया के खेल जगत में एक सर्वश्रेष्ठ मंच माना जाता है। तो कोशिश करेंगे कि अपना नेचुरल गेम खेले और वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो करने का प्रयास। शनिवार सुबह भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल हो गया है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की खबर है। भीषण बारिश के चलते गाजियाबाद की एक सोसाइटी की बाउंड्री वॉल टूट गई, जिससे नाले का गंदा पानी अंदर चला गया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिल्डर ने नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए नाला यहां बंद हो जाता है। बारिश के चलते नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाउंड्री ढह गई। इसी नाले के साथ गंगा जल की मेन पाइपलाइन जाती है, वो भी सोसाइटी के अंदर ही है, जिसकी मार्किंग हो रखी है। ऐसी घटना 3 साल पहले भी हुई थी। बिल्डर ने नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, इसीलिए नाला यहाँ बंद हो जाता है। बारिश के चलते नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाउंड्री ढह गई। इसी नाले के साथ गंगा जल की मेन पाइपलाइन जाती है, वो भी सोसाइटी के अंदर ही है, जिसकी मार्किंग हो रखी है। ऐसी घटना 3 साल पहले भी हुई थी, मगर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज, वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है कि ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।